आयुवान किर पिलिगान वाला हम देना हम मेरे मागे आलू में चैनल लेकर कॉफी कॉलेज ऑफ म्यूजिक माम मेकिंग कराने सिंदूर दिए ना गिटार पार्ट्स वायलिन पार्ट्स को हम द प्ले कराने केला मान सरल हो मां केला देना हुआ मुले इधर आगे तक वास सरल हो मां वाला डाल लगा ना पास हुई दिए था माम केला देना हुआ राइट अभी इस रात दिख तो मैं चैनल लेकर देख कर रैंडीला ही दिमु හරි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ක්ලරන්ස් විජේවර්ධන මහත්මයාගේ සිහින ලොවක් දුටුවා මතකයි කියන සින්දුවේ තියෙන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ඒකේ තියෙන ලීඩ් පාර්ට් එක හරි අපි බලමු මේක කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා සින්දුව යන්නේ A major කියන කී එක යන්නේ මේන් කෝඩ් එකේ A major ඒ කියන්නේ A major ස්කේල් එකේ තමයි සින්දුව යන්නේ හරි අපි බලමු කොහොමද ඒක ප්ලේ කරන්න කියලා पटांगाने देवनी फ्रेट देवनी कामी सेकंड स्विंग इतना मेन नोट सी शार्प मेन नोट डी मेन नोट ई इतना सी शार्प डी सी शार्प मेक ई ई डी सी तो से मितनम उड़े स्विंग के थर्ड स्विंग के मेन फ्रेट के माय मेतन दीनवा इक ए नोट इतना इट पास अभीवा बोटम स्ट्रिंग इन अटम का फिफ्थ फ्रेट दीनवा फोर्थ फिंग मेक ए नोट इट पास ए स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट दीनवा सेकंड फिंग जी सेम स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर एफ शार्प इट पास सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट सेकंड फिंगर डी नोट एफ शार्प अभी कालिंग प्ले प्ले कर नोट मैं डी एफ शार्प देखा आए जी जैसे आए ए आए जी जी एंड एफ शार्प स्पीड खाली क्या हो गई स्पीड डबल वैसे सेकंड स्ट्रिंग के फिफ्थ फ्रेट टेकर दिए ना फोर्थ फिंगर का ई एक इन्हें मैं फुल पार्ट टेकर इट वैसे ई एंड डी क्विक है ना एक स्पीड देने ई डी तो बस ए नोट थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फिंगर के सॉरी थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट के कटर तीनों फर्स्ट फिंगर के ए ए इतना मैं यात्रा स्ट्रिंग के सेम फिंगर सेम फ्रेट सी शार्प ए सी शार्प ए स्ट्रिंग के में थर्ड फ्रेट के दिया सेकंड फिंगर का डी इधर पास से या तो में स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट के तीन है वह फर्स्ट फिंगर के एक एफ शार्प ए सी शार्प डी एफ शार्प में तो ना ई फिफ्थ फ्रेट के सेकंड स्ट्रिंग के फोर्थ फिंगर के लिए एम तमाय एक गिटार पार्ट प्ले करना मांगे का स्लो प्ले करना वाट बलान पास हुए मांगी तरह वाला पास अलग आने दी गए
මොනහරි ඔයාලට අවශ්‍ය සින්දුවක මොනහරි මියුසික් පාට් එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක යට කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ මට ඒක කියන්න පුළුවන්. එතකොට මට පුළුවන් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ඒ සින්දුව දෙන්න. මේ channel එක subscribe කරන්න මාත් එක්ක දිගටම ඉන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහට ලස්සන ලස්සන සින්දුවල මියුසික් පාට්ස් කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ කියලා ගිටාරකින් වයලින් එකකින් ඉගෙන ගන්න. ජය වේවා.